हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे ग्लूकोसामाइन सप्लीमेंट के बारे में। इसके बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा, शायद नहीं भी सुना होगा। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग सुना देता हूँ आज। एंड सुना है तो भी कोई बात नहीं, इसको सुनिए एंड अपने जो थॉट्स हैं वो ग्लूकोसामाइन के बारे में थोड़े से क्लियर कर लीजिए। अच्छा, ग्लूकोसामाइन एक ऐसा सप्लीमेंट है या एक ऐसा नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है जो आपकी बॉडी में खुद से ही प्रोड्यूस होता रहता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप लोग कुछ मेहनत वाला काम करते हो जिसमें आप लोग के जॉइंट्स ज़्यादा मूव होते हैं, तो उस टाइम पे ग्लूकोसामाइन प्रोड्यूस होता है। तो ग्लूकोसामाइन बेसिकली आपके जो जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेजेस, इनके इर्द गिर्द बनता है। बेसिकली जो कार्टिलेज होते हैं वो ग्लूकोसामाइन से ही बनते हैं एंड ये हेल्प करता है आपके जॉइंट्स को प्रिवेंट करने में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोग देखा होगा कि यार, आप लोग के घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनके घुटनों में या उनकी जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। सो वो इसी वजह से होता है कि जो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है एंड जब बोन्स आपस में टकराने लगती हैं तो उसकी वजह से वो जॉइंट पेन होता है। सो उन्हीं सब समस्याओं में, या फिर अगर आप लोग बहुत लंबे समय तक ऑफिस में बैठे रहते हो, अपने जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो या फिर एक्सेसिव ही यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग करते हो, तब भी जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें दर्द या पेन की शिकायत आने लगती है एंड उस टाइम पे आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हो। तो काफ़ी ज़्यादा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं या जो हड्डियों में या जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है उसमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ग्लूकोसामाइन को। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। ये जो जॉइंट सपोर्ट या जॉइंट सपोर्ट सप्लीमेंट है ग्लूकोसामाइन, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आप लोग बताता हूँ, उसके बाद इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ग्लूकोसामाइन नेचुरली जो आपकी बोन्स होती है ना उनमें पाया जाता है, या जो आपकी शेलफिश होती है, शेलफिश का जो शेल होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है तो वो लोग जो सूप वो पीते हैं जिसमें पाए या हड्डी वड्डी पड़ी रहती है, तो उसमें आप लोगों को ग्लूकोसामाइन मिल जाता है। बट जो लोग वेजिटेरियन हो उनको कहाँ से मिलेगा, उनको बेसिकली सप्लीमेंट ही करना पड़ता है। एंड ये एक अच्छा तरीका है ग्लूकोसामाइन को अपनी बॉडी में डालने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तब भी उतनी अमाउंट में नहीं मिल पाता है। अगर आप लोग रेगुलरली वो सूप पीते हो तब मिल सकता है, लेकिन वैसे नहीं मिल पाएगा। ग्लूकोसामाइन हेल्प किस तरीके से करता है, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है। सो ऐसा नहीं हो कि आप लोग ने इसको खाया एंड खाते ही आप लोग के जो जॉइंट पेन है या जॉइंट जो कार्टिलेज है वो सही हो जाएंगे। बेसिकली ये करता क्या है, जो आप लोग जो कार्टिलेज खराब हो रहा है ना उसकी प्रोग्रेस को काफ़ी ज़्यादा धीमे कर देता है, आपकी जो जॉइंट स्वेलिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप लोग इसको 1 से 2 महीने तक लेते हो तो आपके जॉइंट पेन रिलीफ में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है। तो ग्लूकोसामाइन के भी मार्केट में काफ़ी अलग अलग टाइप आता है, जैसे कि ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, ग्लूकोसामाइन सल्फेट हो गया, एंड ग्लूकोसामाइन के साथ अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कंपाउंड ऐड करके दिए जाते हैं ताकि वो और ज़्यादा एंड जल्दी इफेक्ट दिखा सके। जैसे कि ग्लूकोसामाइन प्लस कर्क्यूमिन हो गया, ग्लूकोसामाइन प्लस कोंड्रोइटिन हो गया, ग्लूकोसामाइन प्लस कैल्शियम हो गया, के विटामिन के हो गया। तो ये सब चीज़ें ऐड करके कंपनीज देती हैं जिससे कि इसके जो इफेक्ट हैं वो और जल्दी एंड और अच्छी तरीके से आप लोगों को मिल सके। सो ग्लूकोसामाइन बेसिकली अगर शॉर्ट में मैं आप लोग समझाऊं तो आप लोगों की जो जॉइंट सपोर्ट है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड एक एज के बाद आप लोग को ये, मतलब सभी लोगों को ज़रूर लेना चाहिए जिससे कि जो आप लोग के जो जॉइंट्स हैं वो हेल्दी रह सके। ये जो सप्लीमेंट है ये बेसिकली हेल्थ ऑक्साइड द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर आप लोग को ग्लूकोसामाइन प्लस MSM प्लस टर्मरिक एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट एंड कोंड्रोइटिन, जैसा मैंने आप लोग बताया, ये सब मिलता है। ग्लूकोसामाइन का इसके अंदर सल्फेट फॉर्म मिलता है जो कि मोस्ट रिसर्च है अभी तक की, एंड डॉक्टर्स भी इसी को सजेस्ट करते हैं आप लोग की जॉइंट्स के हेल्थ के लिए। सो इसके आप लोग टैबलेट्स में आप लोग दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप की कैप्सूल्स आती हैं, इसके अंदर पाउडर भरा रहता है, इसको आप लोग देख सकते हो। एंड ये जो कैप्सूल है इसको आप लोग 1 से 3 कैप्सूल पूरे दिन के अंदर ले सकते हो, यानी कि आधे ग्राम से, यानी कि 500 mg से 2000 या 1500 mg, 1.5 ग्राम तक इसको रेगुलरली आप लोग लोगे एंड लगभग 1.5 से 2 महीने लेने के बाद आप लोग को, या जो भी घर में बुजुर्ग हैं उसमें जिनको भी जॉइंट पेन की समस्या है उसमें आप लोग को रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आप लोग बता दूं कि आप लोग एक अच्छी डाइट, एंड जिनको बहुत ज़्यादा पेन है ना तो जो फिजियोथेरेपी करवा लें, या फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज बताते हैं जॉइंट्स के लिए उसको रेगुलरली करें, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उससे। क्योंकि जैसे मैंने आप लोग बताया, मोशन इज लोशन, यानी कि अगर आप लोग मूव करोगे अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, सो वो हेल्प करेगा आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करने में। आज का वीडियो था जॉइंट सपोर्ट सप्लीमेंट के बारे में, मैंने सोचा मैं आप लोग बता दूँ। क्यों? क्योंकि जब आप लोग पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करते हो
या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग करते हो, तो उस टाइम पे आप लोग को ऐसे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि आप लोग के जॉइंट सपोर्ट या जॉइंट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।